हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं E24 और News24। मैं हूं नीतू कुमार और आज मैं बात करूंगी करीना करिश्मा की मम्मी बबीता की। भले ही आज करीना करिश्मा जो है बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्रियां रही हों, 90 के दशक में करिश्मा कपूर ने बॉलीवुड पर राज किया, तो वहीं अभी भी उनकी बेटी करीना कपूर जो है फिल्मों में छाई हुई है। पिछले कह सकते हैं 20 सालों से जो है करीना का जलवा जारी है। और लेकिन एक वक्त ऐसा था जब बबीता का भी बॉलीवुड में जलवा हुआ करता था। उन्होंने बॉलीवुड की करीब 19 से ज़्यादा फिल्मों में काम करी और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फिल्में जो है हिट रही। बबीता का एक कह सकते हैं बॉलीवुड में करियर अच्छा चल रहा था, लेकिन उसी दौरान वो किसी के प्यार में पड़ गई। जी हाँ, वो रणधीर कपूर थे जिनके प्यार में पड़कर बबीता ने अपना करियर जो है कुर्बान कर दिया और कपूर खानदान की बहू बन गई। चलिए हम आपको शुरू से बताते हैं, बबीता जो है सिंधी परिवार से हैं। उनके पिता जो है हिंदू सिंधी थे जो कि पाकिस्तान के कराची में रहते थे। उनकी माँ जो है ब्रिटिश थी और उनके पिता ने क्रिश्चियन जो है उनकी माँ जो है बारबरा शिवदासानी थी और उनसे उन्होंने शादी की थी। तो बबीता की परवरिश जो है हिंदू और क्रिश्चियन दोनों माहौल में हुई और यही वजह है कि आज भी बबीता जो है थोड़ा क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो करती हैं, वो हिंदू धर्म को भी फॉलो करती हैं। बबीता शिवदासानी के पिता जो है हरि नारायण शिवदासानी, वो जो है फिल्मों में एक्टर थे। जब देश का विभाजन हुआ तो उस समय वो परिवार समेत जो है कराची से मुंबई चले आए। बबीता की बहन जो है साधना शिवदासानी थी, दोनों कज़न थी और वो भी जो है बॉलीवुड फिल्मों में आए क्योंकि उनके चाचा जो है फिल्मों में एक्टर थे और बबीता के तो पिता ही एक्टर थे। बबीता की जो पहली फिल्म थी वो थी 1966 में आई 10 लाख। हालांकि इसके बाद उनको जो उनकी जो फिल्म आई थी राज, जिसके ज़रिए जो है उनको पॉपुलैरिटी मिली। इस फिल्म में उनके साथ राजेश खन्ना थे और ये फिल्म हिट रही। जितेंद्र के साथ उनकी फिल्म फर्ज जो है बहुत शानदार चली। तो देखा जाए तो बबीता का करियर जो है ठीक ठाक चल रहा था। उसी दौरान जो है उन्होंने 6 नवंबर 1971 में जो है रणधीर कपूर से शादी कर ली। बबीता ये जानती थी कि रणधीर कपूर से शादी करने के बाद वो फिल्मों में काम नहीं कर पाएंगी, लेकिन रणधीर कपूर ने उनको अल्टीमेटम दे दिया था कि या तो तुम मुझसे शादी कर लो या फिर ब्रेकअप कर लो। ऐसे में जब वो रणधीर कपूर से इतना प्यार करती थी कि उन्होंने जो है अपना फिल्मी करियर छोड़ दिया। हालांकि उनकी शादी के बाद जो है उनकी 2 फिल्में रिलीज़ हुई और उनकी जो आखिरी फिल्म रिलीज़ हुई थी वो सोने के हाथ, जो कि बुरी तरह से फ्लॉप हुई। और उसके बाद तो उन्होंने बिल्कुल ही फिल्मों से तौबा कर लिया और अपने घर परिवार पर ध्यान देने लगी। वहीं रणधीर कपूर का करियर जो है कुछ खास नहीं रहा। उनके परिवार में जो है उनके भाई ऋषि कपूर जो है चमकता हुआ सितारा बन गए, लेकिन रणधीर कपूर का जो है करियर फ्लॉप हो गया था। और ऐसे में बहुत शराब पीने लगे थे, आमदनी ज़्यादा होती नहीं थी और घर में जो है खर्चे बहुत थे और इस वजह से मियां बीवी में लड़ाई शुरू हो गई थी। इसके बाद जो है 80 का दशक आया, जब 89-90 की बात होगी, जब करिश्मा कपूर के मन में जो है बॉलीवुड में हीरोइन बनने की इच्छा जागी और वो जो है शुरू से कहती थी कि वो बॉलीवुड में एक्ट्रेस बनेंगी। पहले तो उनके पिता को लगता था कि ये मजाक कर रही है, लेकिन उस दौरान करिश्मा जो है बहुत सीरियस थी और करिश्मा के इस करियर को जो है जो बॉलीवुड में हीरोइन बनाने का जो सपना था इसको जो है उन्होंने बबीता ने दिखाया था और वो जो है चाहती थी कि उनकी बेटी फिल्मों में हीरोइन बने। और इसके बाद जो है इन दोनों में, रणधीर कपूर और बबीता में, ऐसी अनबन हुई कि दोनों अलग हो गए। दोनों ने तलाक नहीं लिया लेकिन अलग अलग घरों में रहने लगे। रणधीर कपूर अपनी माँ कृष्णा राज कपूर के साथ रहने चले गए और बबीता जो है अपनी दोनों बेटियों को लेकर मुंबई के लोखंडवाला में शिफ्ट हो गई। बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को बॉलीवुड में मशहूर हीरोइन बनाने में। करिश्मा का करियर तो पूरी तरह से कह सकते हैं बबीता ने ही सेट किया और इसके बाद जो है उनकी बेटी हीरोइन बनी, उनकी मेहनत रंग लाई और उसके बाद करिश्मा का करियर आपने देखा। और फिर जब करिश्मा बॉलीवुड में परचम लहरा रही थी उसी दौरान करीना की भी एंट्री हुई और करीना कपूर भी पिछले 20 साल से बी टाउन में छाई हुई हैं। आपको ये बता दें कि करीना करिश्मा को जो है आर्थिक संकट भी कई बार उन लोगों को झेलना पड़ा। कहने को तो कपूर खानदान है लेकिन कहीं ना कहीं जो है इस परिवार ने आर्थिक संकट भी देखी और बबीता ने उस दौर में भी अपना बहुत हिम्मत से काम लिया और अपनी दोनों बेटियों का जो उनका सपना था उस सपने को जो है बबीता ने पूरा किया। वहीं बबीता की पारिवारिक बात करें तो कपूर खानदान में जो है उनकी नीतू कपूर से बहुत ज़्यादा नहीं बनती थी। दोनों जो है जिठानी देवरानी में अनबन रही और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि करिश्मा कपूर की शादी में जो है नीतू कपूर नहीं पहुंची थी। सालों तक बबीता और नीतू कपूर के बीच अनबन रही, लेकिन इन दिनों जो है आप देख सकते हैं कि दोनों अक्सर साथ में पार्टी करती हैं। जो भी कपूर खानदान की मीटिंग्स होती हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं उसमें नज़र आती। हाल ही में रणवीर कपूर की शादी हुई और वहाँ पर जो है एक बहुत अच्छी तस्वीर देखने को मिली कि
बबीता जो है अपने पति रणधीर कपूर के साथ जो है बैठी हुई थी और दोनों की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर वायरल हुई। आपको ये बता दें जब करिश्मा कपूर की शादी हुई उस दौरान जो है बबीता और रणधीर कपूर में पैचअप हुआ और वो जो है दोनों साथ हुए, और इसके बाद जो है अब ये दोनों जब दोनों बुजुर्ग हो चुके हैं, दोनों जो हैं 70 की उम्र पार कर चुके हैं, ऐसे में अब दोनों जो हैं बांद्रा में साथ रहने लगे हैं। और ऐसा इन लोगों ने इसलिए किया क्योंकि इनकी बेटियां ये चाहती थी कि दोनों जो हैं वृद्धावस्था में जो है एक साथ रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें, और ऐसे में अपनी बेटियों की बात मानकर जो है करिश्मा की माँ जो है बबीता कपूर जो है अपने पति रणधीर कपूर के साथ रह रही हैं, क्योंकि दोनों ने पहले कभी तलाक लिया नहीं था, दोनों सेपरेट हुए थे और अब जो है दोनों एक साथ हो गए हैं।